विकार साहब को तो मैं पहले मुबारकबादी देना चाहता हूं। विकार साहब अगर ये आस लगा के बैठा था कि मेरे जो कैंडिडेट हैं वो सारे मेरे हैं, ऐसा नहीं है। पब्लिक ने बड़े सोच समझ के वोट उनको जिताया है, जिन लोगों पे उन्होंने विश्वास किया। तो अगर मेरा मानना यही है, विकार साहब बौखलाहट क्यों इसको पड़ी है? कभी ये किसी को आरएसएस वाला कहता है, कभी ये कहता है बजरंग दल के साथ मिला है। अरे विकार साहब, आप मुझे ये बताइए, आप किसके साथ मिले हो? आप कौन से दूध के दोए हुए हो? एनसी अपनी पार्टी है, कांग्रेस इनकी अपनी पार्टी है, बीजेपी की अपनी पार्टी है, तो कांग्रेस की अपनी पार्टी है। अब मुझे ये बताए कि पहले ये विकार साहब अगर ये कहते बजरंग दल आरएसएस, तो विकार साहब को बोलो आपने कौन सा दरसगा कहां पे खोला है, कांग्रेस के सरकार में या ये दो बार मंत्री रह चुका है, इसने कौन से दीनी अदारे खोले, इस्लामी अदारे खोले, या अपने आप को कहता है कि मैं देश बड़ा देश का वफादार हूं? नमक तो खाते हो हिंदुस्तान का, गीत तो गाते हो पाकिस्तान का। मैं विकार साहब को ये आपकी वसादत से कहना चाहता हूं, विकार साहब तेरा तो सेंटर में भी सफाया है, तेरा तो अब स्टेट में भी कुछ नहीं है, अब तेरे को बौखलाहट क्यों पड़ी है? तू हमको आरएसएस वाला कहता है, तू बजरंग दल वाला कहता है, ये तो बड़ी शर्म की बात है। आपने तो यहाँ के यूथ को बेच के खाया, आपने यहाँ के मजदूरों को सौदा किया, और आज आप बड़े बड़े दावा करते हो कि ये बजरंग दल के आदमी है, ये आरएसएस के आदमी है। हम सच्चे भारतीय भारत के आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो विकास की तरफ है, मतलब डेवलपमेंट की तरफ है। आने वाले कल को एक अच्छा स्कूल मिले, एक अच्छी सुविधा मिले। विकार साहब आपके गेट पे तो एक हॉस्पिटल है, आप तो उसको नहीं अभी तक चालू करवा पाए, तो आप विकास की बात करते हो? आप हमको आरएसएस वाले कहते हो, बजरंग दल वाले कहते हो? हम सच्चे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जो हैं वो डटे हैं, और विकार साहब को इंशाल्लाह आने वाला कल बताएगा कि विकार साहब तू कहाँ है और हम कहाँ है। तू हमें कहता है कि ये देशद्रोही है, देशद्रोही तो तुम हो, जिनके नेटवर्क पाकिस्तान के साथ है, जिनके हवाला ग्रुप में पैसे भी पकड़े गए, उन केसों को आप रफा दफा करने वाले हो ना। हम सारे काले चिट्ठे आपके खोलने वाले हैं, और आप सलाखों के पीछे आपको तिहाड़ भी जाना ही पड़ेगा। जितना आपने बनहाल की आवाम के साथ, यहाँ के यूथ के साथ, यहाँ के बेरोजगार के साथ जो आपने विश्वासघात किया है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से दे। मैं उन भाइयों को ये आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो विकास चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, तामीरी तरक्की का काम चाहते हैं, तो उनको बड़ा सोच समझ के उसका जवाब देना पड़ेगा। रही बात आपकी कि विकार साहब कहते हैं कि वो नहीं आए, किसी को तो कोई बीमार भी हो सकता है, कोई ट्रैफिक जाम की वजह से कहीं फंस सकता, नहीं पहुंच सकता टाइम पे, आपको पता है कितनी जामिंग है। तो ये बहानाबाजी है विकार साहब की, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल से ही सामने तो फिल्म आएगी। विकार साहब अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है।